स्थानीय छाटा रोड स्थित सरकारी देसी व विदेशी मदिरा दुकानों में सेल्समैनों ने लूट मचा रखी है। मदिरा प्रेमियों की मजबूरी का फायदा उठाकर सुपरवाइजर और सेल्समैन विभिन्न ब्रांडों की शराब में MPR से 10 रुपए से लेकर 50 रुपए अधिक तक वसूल रहे हैं। अगर कोई मदिरा प्रेमी अधिक वसूली की शिकायत करता है तो सुपरवाइजर और सेल्समैन उससे अभद्रता करते हुए लेना है तो ले, नहीं तो चलते बनो की बात कहते हैं। इसके चलते शराब के शौकीन लोग भी मजबूरीवश MPR से ज़्यादा दाम देने को मजबूर है। सुपरवाइजर और सेल्समैनों की इसी मनमानी और दबंगई के चलते कई बार दोनों सरकारी दुकानों में विवाद की स्थिति निर्मित हो चुकी है। मामला थाने तक पहुंचता है तो सुपरवाइजर और सेल्समैन को सरकारी दुकान के कर्मचारी होने का फायदा मिल जाता है। यही सोचकर पीड़ित शख्स थाने तक नहीं पहुंचता। इसके चलते सुपरवाइजर और सेल्समैनों की लूट लगातार जारी है। सुपरवाइजर और सेल्समैन की इस खुलेआम लूट की जानकारी क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी तक लगातार पहुंचती रहती है, लेकिन अब तक सुपरवाइजरों और सेल्समैनों के विरुद्ध एक भी कार्रवाई न होना कई सवाल खड़े करता है। हालांकि सुपरवाइजर मदिरा प्रेमियों से अतिरिक्त दर पर बिक्री से इनकार करते हुए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही बिक्री किया जाना बताते हैं, लेकिन मदिरा प्रेमी खुद सामने आकर उनके इस दावे की हवा निकाल रहे हैं। सुपरवाइजरों और सेल्समैनों के साथ क्षेत्रीय आबकारी अधिकारी की कथित आपसी साठगांठ के चल रहे मदिरा प्रेमियों से इस लूट के चलते छत्तीसगढ़ सरकार की मदिरा प्रेमियों के बीच जमकर किरकिरी हो रही है। देखना होगा कि सरकार अब इस और एक्शन लेती है और तय दर से अधिक दामों पर शराब बेचने वाले सेल्समैन और सुपरवाइजरों पर कड़ी कार्रवाई करती है। शराब पीने आने वाले अनेकों मदिरा प्रेमी ने इन दुकानों के सुपरवाइजर व सेल्समैनों की लूट को जल्द रोकने की मांग शासन प्रशासन से की है। कुछ मदिरा प्रेमी ने बताया कि 270 MPR की मसाला की बड़ी बोतल को 320 रुपये में तो 60 रुपये प्रिंट वाले गोवा को 80 रुपये में बेचना भी समझ से परे है। वहीं विदेशी मदिरा दुकान में तो सेल्समैन व सुपरवाइजर ने लूट की हद पार कर दी है, जिसमें कई अंग्रेजी शराब के ब्रांड में 30 से 50 रुपये की लूट जारी है। इस पर यहाँ के सुपरवाइजर पुरानी रेट की MPR वाला शराब का रेट होने के चलते ऐसा होने की बात कहते हैं। नवापारा राजिम से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट। तो यहाँ पर शराब लेने पहुंचे एक व्यक्ति हैं जी, ये शराब का ब्रांड कौन सा है और कितने रुपए लगा है बताइए। हाँ, अभी कितने रुपए लिए आपसे? अच्छा, मतलब 40 रुपए ज्यादा लिए हैं। 40 40 80 रुपए ज्यादा हो गया दोनों। ठीक है, आप कहाँ से? अच्छा, बालों से। यहाँ पे शादी होती है? ठीक। साथ कुछ शराब शौकीन भाई लोग हैं यहाँ पर जो नवापारा शराब दुकान पर आए हैं जी, बताइए कितने रुपए ज्यादा लिए हैं MRP से आपसे? 30 रुपए। कारण जानना चाहा आपने क्यों ज्यादा ले रहे हैं? नहीं बोले हैं तो बोला कि 200 रुपए मिलेगा। अच्छा, कम नहीं होगा MRP है वो, फिर भी 200। मतलब 30 रुपए आपसे ज्यादा ले ही रहे हैं? ज्यादा ही ले रहे हैं जी। आपका नाम? 20 रुपए लगा रहे हैं। गोवा का कितने रुपए लिए? गोवा भी लगा रहा है 120 रुपए लगा रहा है। अच्छा, ज्यादा ले रहे हैं। 20 रुपया 30 रुपया एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 30 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा है जी। जी, और कहने पर क्या बोलते हैं शराब दुकान वाले? नहीं, मना कर देते हैं। कहने पर अच्छा, मना करते हैं। इतना ही मेरा है। ठीक है, आप सभी रायपुर से हैं? हम लोग सब रायपुर से जी। हमारे साथ एक शराब के शौकीन भाई यहाँ पर है जो शराब पीने के लिए आए हैं जी। बताइए MRP से ज्यादा रेट बिक रहे हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? जी भैया, इसका 270 MRP है। हाँ, और एक्स्ट्रा रेट में बेच रहे हैं। कितने रुपए ज्यादा लेकर आप देकर लिए हो इसको? 270 का है और 320 रुपए ले रहे हैं। अच्छा, 50 रुपए ज्यादा ले रहे हैं। मतलब 50 रुपए ज्यादा। और आप लोग भी दे रहे हैं? हम लोग भी दे रहे हैं। सुबह तो 90 का 100 बेचते हैं। अच्छा, सवेरे लेते आदमी। अच्छा ठीक है, करोगे? आपका नाम? विष्णु कंडरा। कहाँ से जी? हमारे साथ एक शराब के शौकीन भाई है जी, बताइए क्या? टिफिन कर दे वो ज्यादा बेटर है। कितने रुपए लगाए हैं? लेकिन 40 रुपए एक्स्ट्रा लेना एक गरीब जनता से जी। दारू के नाम से, दारू अबकारी विभाग सुन ले। हाँ, दारू के नाम से 40 रुपए एक्स्ट्रा लेना, आदमी यहाँ जनता गरीब जनता को बांट रहे हैं। दारू भट्टी या तो बंद कर दे या तो फिर एक्स्ट्रा रेट लेना बंद कर दे जी। आपका कहना है कि या तो बंद कर दे या तो फिर एक्स्ट्रा लेना लेना बंद कर दे। ठीक है, 40 रुपए तो ज्यादा बेटर रहेगा जी, क्योंकि आदमी। आपका नाम? 3 महीने से नहीं पी रहा था, वो ज्यादा अच्छा था। आपका नाम? विनोद कुमार साहू, हजार नंबर 2। कितने रुपए लगाए हैं? 820 रुपए प्रिंट लगा के 910 रुपए लगाए। अच्छा, लेकिन स्टिकर उखाड़े तो 740। मतलब स्टिकर को उखाड़ के वो लोग ज्यादा MRP में बेच रहे हैं। 820 वाला टैग लगा दिए, 820 वाला टैग लगा के 740 MRP को 820 वाला टैग लगाए।
और 910 में दिए। 910 में दिए, 910 रुपए लिए आपने। रेट के बारे में बताएंगे जो भी रेट। रेट के बारे में क्या है सर कि रेट रेट चला रहे हैं, शासन का आधारित जो रेट है उसी में हम लोग चला रहे हैं, कोई ओवर रेट नहीं है। और जो प्रिंट है वो पुराना प्रिंट के हिसाब से है। नहीं सर, लोगों को शिकायत मिल रही है, नया ब्रांड अभी आया है उसे पुराना प्रिंट के हिसाब से शो हो रहा है, नया प्रिंट छपा नहीं है अभी। तो ग्राहक को ये लग रहा है कि प्रिंट में कम है और लोग ज़्यादा पैसा ले रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। शासन जो बढ़ाया है रेट वही रेट से हम लोग दुकान चला रहे हैं। ठीक, आपका नाम बताएंगे? सतीश, मेरा नाम इंग्लिश सुपरवाइजर सतीश जोशी।